बताओ। हेलो, अरे कोई बताओ, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है आ रही ना? है ठीक सर। ठीक है, स्टार्ट कर। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हेलो, सर पीपीटी दिखाई दे रही है? हेलो, बताओ गणेश, बताओ। हाँ सर, यस सर, दिख रही है। दिख रही ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ विजिबल। स्लाइड चेंज हो रही है? यस सर, यस सर। देखो, सही में हम जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट हो सकती है आपकी लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट मतलब कि आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, कोई वो मेजर कर रहे हो, कोई एरिया मेजर कर रहे हो, या फिर कोई एंगल मेजर कर रहे हो। किसी को भी अगर कोई आवाज नहीं आ रही हो, स्लाइड चेंज होते हुए ना दिखाई दे, तो तुरंत मेरे को बताएगा। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था, पूरी लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद आप बता रहे हो कि स्लाइड चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, कोई भी मेजरमेंट दे रहे हैं, या तो हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, एरिया मेजर कर रहे हैं, या फिर हम कोई एंगल या कोई वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। तो हर मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर हो सकता है। तो इस बेस सोर्स के बेस पे हमारे तीन टाइप के एरर होते हैं। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, इंस्ट्रूमेंट सही से एडजस्ट नहीं किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर, आपकी जो टेप है जिससे आप मेजर करते हो ग्राउंड पे मेजरमेंट, वो टेप टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेच हो गई है 10 mm। तो जब भी आप कोई मेजर करेंगे, वो 10 mm कम दिखाएगा, है ना? तो क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट। या आपका थियोडोलाइट है जिसमें एडजस्टमेंट लेवलिंग करनी होती है, उसको सेंटर में रहना होता है, तो हो सकता है कि वो उसकी एडजस्टमेंट ना हो, तो यहाँ पे आपका एक एरर हो सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है। दूसरा सोर्स कहाँ से आता है आपका? नेचुरल। नेचुरल सोर्स का मतलब है कि जैसे कि नेचुरली कोई सोर्स आ रहा है, मान लो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से रीडिंग के नहीं आ रही है, या फिर आपका फॉग है जिसकी वजह से आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे आपके? नेचुरल। और एक होता है पर्सनल, जिसमें इनएक्सपीरियंस, जिसे एक्सपीरियंस नहीं है इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का, या उसका फोकस नहीं है, केयरलेस है, उसकी वजह से रीडिंग में एरर आ रहा है ना? जैसे कोई कोई स्टूडेंट होगा जो ऐसे ही बस देखेगा दूर से ही कि अच्छा इतनी रीडिंग आ रही, कोई फोकस लगा के एग्जैक्ट मेजर करेगा। तो पर्सनल एरर हो गए, ह्यूमन एरर, नेचुरल एरर हो गया, एटमोसफेयर एरर, और इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंट की एडजस्टमेंट या इंस्ट्रूमेंट आपका फॉल्टी है। तो ये तीन तरह के सोर्सेज होते हैं कोई भी मेजरमेंट में एरर के। ठीक है, आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, वॉल्यूम, एरिया, एंगल, किसी में भी एरर आ सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एरर हो सकता है। ये तो है आपके सोर्स एरर। इसी के नीचे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ एरर। ठीक है, काइंड्स ऑफ एरर का मतलब है कि एरर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है मिस्टेक। मिस्टेक किससे होती है? ह्यूमन से होती है, तो इसको हम पर्सनल एरर से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? एक होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर आपका 10 mm इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो हमेशा हर रीडिंग में 10 mm एरर आता रहेगा, और वो एड होता जाएगा, और वो बाद में बहुत बड़ा एरर बन जाएगा।
अगर इंची टेप में या आपके स्केल में या आपके टेप में 10 mm की स्ट्रेच हो गई है या श्रिंक हो गई है, तो हर रीडिंग में 10 mm एरर ऐड होता जाएगा ना, एक लास्ट में बहुत बड़ा एरर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंटल एरर। तो एरर जो है तीन टाइप के होते हैं, मिस्टेक जो ह्यूमन एरर होता है, सिस्टमेटिक जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, और एक्सीडेंटल। जब आप मिस्टेक और सिस्टमेटिक दोनों एरर को रिमूव कर दोगे तो एक्सीडेंटल एरर रह जाता है जो रिमूव नहीं कर पाता, और हमें ये भी नहीं पता होता उसका सोर्स क्या है। जैसे मिस्टेक है, मिस्टेक में एक ह्यूमन एरर है, उसने केयरलेस या इनएक्सपीरियंस बंदा है तो आपने एक्सपीरियंस बंदा रख लिया सर्वेयर। सिस्टमेटिक में इंस्ट्रूमेंट में आपका फॉल्ट है तो आपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर लिया, बट एक्सीडेंटल में आपको सोर्स ही नहीं पता है कि ये आया कहाँ से एरर, तो आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। बट आप थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से आप एक मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब कि अगर आपने एक ए और बी के बीच में एक लाइन को मेजर किया, 10 बार मेजर किया और 10 के 10 बार अलग अलग रीडिंग आ रही है, तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि उन 10 रीडिंग में से बेस्ट रीडिंग जो ट्रू वैल्यू के नियर है वो कौन सी है, वो आप कैसे निकालोगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के। तो एक्सीडेंटल एरर में, एक्सीडेंटल एरर को हम सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के लिए हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स। तो भी अब आगे चलेगा वो सब एक्सीडेंटल एरर के बारे में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और मेरे को बताओ कोई डाउट हो तो मैं पूछता हूँ। चलो अंकित, अंकित सर, कोई डाउट है? नो सर। मैं स्लाइड कर रहा हूँ, जरा मुझे बताना स्लाइड चेंज हो रही है नहीं, हो गई सर? नो सोर्सेस, हो गई सर, हो गई ना। ठीक है सर, अब अपना आपको म्यूट कर लो। अच्छा, सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी अभी याद रखना के सर्वेइंग का मतलब है हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट में एरर्स आ रहे हैं। थ्री टाइप के एरर है, मिस्टेक, सिस्टमेटिक और एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल एरर को सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन है, इनको समझ लेना। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ए क्वांटिटी मेजर इन द फील्ड। जो भी आप रीडिंग लेते हो ना, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस आपने मेजर की है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, स्लाइड शो नहीं हो रही, उसको बोलेंगे हम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हो सकता है ए और बी के पॉइंट को आपने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से 10 बार मेजर किया हो तो 10 ऑब्जर्वेशन आपकी हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी और ऐसी मेजरमेंट, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो किसी दूसरी मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो ट्रायंगल में एक कंडीशन होती है कि उसके जो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो उसकी जो डायमेंशंस हैं वो डिपेंड करती है एंगल पे। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो डिपेंड नहीं करती किसी अदर क्वांटिटी पे। और ये क्वांटिटी का मतलब समझ लो रीडिंग ले रहे हो आप मेजरमेंट लिया, आप ए और बी के बीच में जो पॉइंट को मेजर किया वो एक ऑब्जर्वेशन, एक क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब वो क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, सर, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब मेरे को बताओ ये फहद खान, फहद खान बोले जरा। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। फहद खान कौन बोल रहा है? यस सर। सर ये फहद खान कहाँ चला गया? यस सर। हाँ फहद, ये बताओ मेरे को स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? यस सर। ऑब्जर्वेशन और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वाली? यस सर। इसमें कोई डाउट है सर? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी सर दोबारा बता दीजिएगा एक बार।
दोबारा बता रहे हो, देखो आप ग्राउंड पे कोई मेजरमेंट कर रहे हो ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, आपने मेजर किया 10 मीटर आ गया, तो उस 10 मीटर को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसी को हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे जो आपने रीडिंग ली है। जो सेकंड है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी कि जो दूसरे तरह की एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है वो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, मतलब कि आपने ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो मेजर की है वो किसी दूसरी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ओके सर। ठीक, जैसे कि ट्रायंगल है उसमें एक एंगल आपको पता है, दो एंगल पता है आपको, तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो ना उन दो की हेल्प पे, तो इसका मतलब थर्ड एंगल जो है वो दो एंगल पे डिपेंडेंट हो गया। सेकंड जो डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो क्वांटिटी है जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ग्राउंड पे मेजरमेंट कर रहे हो ए से बी, वो किसी और मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ओके सर। मेरे को फहद ये बताओ स्लाइड चेंज हुई? नो सर। अभी एक मिनट होल्ड करो, हो जाएगी। यस सर, हो गया। हो गया, यस सर। रुको, अभी ये जरा आगे आ गई है, थर्ड पॉइंट का देखना है हमें। ये आ गई ना, ये पिंक कलर के है ना, मिस्टेक्स लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, दो डेफिनेशन हो चुकी है, थर्ड डेफिनेशन है कंडीशनल क्वांटिटी। ठीक है, कंडीशनल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, वैल्यू ऑफ ए ऑब्जर्व क्वांटिटी डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी, सेम है। सेकंड है, सेकंड जाती है हमारी इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती थी, और ये थर्ड वाली हो क्या है, कंडीशनल क्वांटिटी, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो किसी दूसरी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो थर्ड एंगल है ट्राइंगल का, वो जो दो एंगल है उन पर डिपेंड करता है, उसको निकालने के लिए हमें उन दो एंगल की जरूरत होगी, तो उसी को बोलते हैं हम कंडीशन क्वांटिटी। कंफ्यूज मत होना, क्वांटिटी का मतलब है जो रीडिंग आप ग्राउंड पे या कहीं पर भी मेजरमेंट ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके। फोर्थ डेफिनेशन है आपकी ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू का मतलब है ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है, और आपने जब टेप से मेजर किया तो 9 मीटर निकला, जो 9 मीटर है उसमें एरर है 1 मीटर का, लेकिन ट्रू वैल्यू क्या है आपकी, जो 10 मीटर है, जो सारे ही एरर से फ्री है, ना ही उसमें मिस्टेक है, ना ही सिस्टमेटिक है एरर है, ना ही उसमें एक्सीडेंटल एरर है, तो ट्रू वैल्यू उसको बोलेंगे जो फ्री ऑफ एरर है। सर स्लाइड शो ही नहीं हो रही। अच्छी यार। यस सर। ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई, कंडीशनल क्वांटिटी एंड ट्रू वैल्यू। यस सर। जरा मेरे को बताओ ट्रू वैल्यू क्या होती है? सर ट्रू वैल्यू वो होती है, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया था, अगर 0.8 और 2 बी का डिस्टेंस निकालेंगे वो 12 सेंटीमीटर है, तो उसमें कोई एरर नहीं होगा, वो उसका मतलब डेफिनेट वैल्यू होगा, उसमें कोई एरर नहीं होगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। तीन तरह के एरर बताए ना, मिस्टेक, सिस्टमैटिक एंड एक्सीडेंटल, उनमें से कोई एरर नहीं होगा, वो ट्रू वैल्यू होगी। यस सर, वो ट्रू वैल्यू होगी। ठीक है, अब मेरे को बताना स्लाइड चेंज हो तो। यस सर, चेंज हो गया है। हो गई, ठीक है। अब देखो फिफ्थ डेफिनेशन है, अभी मैं आपको दोबारा से बता दूं, थ्री टाइप के एरर्स थे, मिस्टेक, सिस्टमैटिक, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल एरर को निकालने के लिए हमें, को मिनिमाइज करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस की बात चल रही है, इसमें सिक्स्थ डेफिनेशन है, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, इसमें फिफ्थ डेफिनेशन है आपकी है, ये कोई इसको चेंज कर रहा है स्लाइड को, ऐसा मत करो भाई। हाँ, तो फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसके नीचे दो फिगर्स बने हैं, इसमें एंगल, एक एंगल है उसका वेट 1 है और एक एंगल है उसका वेट 5 है। देखो होता क्या है,
आप, मैं एक से पूछूंगा अभी, बताना आप। नमन यादव, नमन यादव। यस सर। सुनना, नमन यादव ये डेफिनेशन है वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो रीडिंग हो गई जो आपने मेजर की है, वो एंगल भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है सर। अब ये बताओ मुझे, एक आपने एक एंगल मेजर किया वो 30 डिग्री आ रहा है, और पांच स्टूडेंट ने उसी एंगल को मेजर किया और उसका ने एवरेज लिया, तो सबसे एग्जैक्ट एंगल कौन सा होगा, आपका लिया हुआ या पांच लोगों ने जो रीडिंग लिया उसका एवरेज लिया हमने? सर जो पांच का एवरेज होगा, है ना, आपके में एरर हो सकता है और लेकिन पांच के में एरर मिनिमम हो जाएगा, तो वेट किसका ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू पे वेट होगा बोलते हैं ना, उसकी बात में वजन है सर, पांच लोगों की बात में, पांच लोगों, तो यही वेट की डेफिनेशन है, ठीक है? जो रेटिंग हमने ज्यादा बार ली है और ज्यादा वो ट्रू वैल्यू होने के चांस नियर है, ट्रू वैल्यू के नियर है, उसका वेट ज्यादा होगा, और जो ट्रू वैल्यू से दूर है उसका वेट वन होगा, कम होगा। यस सर। तो दो एंगल दिए हुए हैं इस तरह से एग्जांपल को समझो, वेट फाइव का मतलब है वो ज्यादा लोगों ने रीडिंग ली है, उसकी जो वैल्यू एवरेज वैल्यू वो ट्रू वैल्यू के नियर है, तो समझ गए सभी। वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का एक वेट होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि इसकी बात में वेट है, इसकी बात में वजन है, इसकी बात को मैं ज्यादा विश्वास करूंगा क्योंकि ये सच बोलता है, लाइक दैट। तो आपकी ऑब्जर्वेशन का भी एक वेट होता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन को आप ज्यादा आप मानेंगे कि ये ट्रू वैल्यू के नियर है, ठीक है सर? ओके नमन सर। ओके सर, किसी को डाउट हो तो पूछिए इसमें, ठीक है? आगे चलते हैं, सिक्स्थ डेफिनेशन है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। एमपीपीए बहुत ज्यादा यूज होगा ये टर्म, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज द वैल्यू व्हिच हैज मोर चांस बीइंग ट्रू देन अदर वैल्यू। आपने 10 रीडिंग ली, एक ही एंगल को 10 बार मेजर किया और एक ऐसी वैल्यू जो सभी 10 रीडिंग से या 10 रीडिंग में से सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, सबसे ज्यादा नियर है आपका ट्रू वैल्यू के, है ना, तो उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब मेरे को मैं क्या आ रहा हूं, यस सर, मयंक यादव, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तो वो वैल्यू हो गई जो ज्यादा नियर है ट्रू वैल्यू के, है ना। मान लो 10 मीटर की एग्जैक्ट डिस्टेंस है और आपने मेजर की 9 और एक ने की 9.5, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सी हो गई? 9.5। हेलो मयंक, हेलो, 9.5. आपने मेजर की 9 मीटर और एक दूसरे स्टूडेंट ने किए 9.5 मीटर और ट्रू वैल्यू है 10 मीटर, तो कौन सी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है? 9.5। या तेज बोलो थोड़ा, 9.5 ना, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के नियर है, है ना। यस सर। तो आपने अगर मान लो 2 पॉइंट को 100 बार मेजर किया तो ट्रू वैल्यू MPV, most probable value निकालने के कुछ methods होते हैं, पर ये समझ लो कि most probable value क्या होती है। अब मेरे को बताओ ये हर्ट्ज, हर्ट्ज, तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक तो ये हो गया कि जो ट्रू वैल्यू के नियर है वो आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी, एक हो गया जिसका वेट ज्यादा है वो भी तो आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो सकती है ना। तो आपको नीचे देखो जो वेट 5 है उस पर टिक लगा हुआ है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वेट 5। एक तो वेट जिसका ज्यादा है वो एमपीवी हो सकता है, और एक इसका मतलब वो हो गया कि वो ट्रू वैल्यू के नियर है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर, ठीक है सर? अखर श्रीवास्तव, यस सर। डेफिनेशन जो है वो है ट्रू एरर। ट्रू एरर क्या होगा, जो आपने ऑब्जर्व वैल्यू है और माइनस ट्रू वैल्यू, है ना। आपने 10 मीटर जो है ए और बी का डिस्टेंस है, ट्रू डिस्टेंस 10 मीटर है,
आपने मेजर किया 10.1, तो ट्रू एरर क्या होगा, 10.1 माइनस 10.1 का एरर हो गया, इसी को बोलेंगे हम ट्रू एरर। किसी भी रीडिंग में ट्रू एरर क्या होगा, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एट्थ डेफिनेशन है रेसिडुअल एरर। देखो दोनों में डिफरेंस देखना आप, फर्स्ट है ट्रू एरर यानी कि जो आपने ए और बी के बीच में रीडिंग मेजर की माइनस जो एग्जैक्ट में उसकी वैल्यू थी वो हो गया ट्रू एरर। बट रेसिडुअल एरर क्या है कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है जो आपने रीडिंग ली है उसमें से माइनस किया है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। याद रखना मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा पास में है, नियर है ना। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, प्रखर ने मेजर किया 9.8 और प्रशांत ने मेजर किया 9.9। अगर हमें निकालना है ट्रू एरर तो क्या होगा कि जो ट्रू वैल्यू है 10 मीटर माइनस ऑब्जर्व वैल्यू 9.8, और रेजिडुअल एरर निकालना है तो आपको 9.8 में से 9.9 में माइनस करना होगा, क्योंकि 9.9 क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, सबसे नियर है आपके ट्रू वैल्यू के। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ ये विवेक कुमार नागर, विवेक कुमार नागर अनिश गर्ग, अनिश यस सर, अनिश ये बताओ मुझे जरा ट्रू एरर और रेजिडुअल एरर बताओ जरा। हेलो तनिश, यस हेलो, दोनों में डिफरेंस ट्रू एरर और रेसिडुअल एरर। देखो सभी को मैं बता दूं कि जिससे भी मैं पूछ रहा हूं ना और रिस्पांस दे रहा है उसका सबका नाम मैं लिख रहा हूं और उसको कुछ ना कुछ फायदा होना है, ठीक है। और जिसको मैं बोले जा रहा हूँ उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो ऑनलाइन छोड़ के चला गया है, क्या मैं उसको एब्सेंट मान सकता हूँ। बहुत सिंपल है, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। ट्रू एरर वो एरर होता है जो ऑब्जर्व जो आपने रीडिंग ली है माइनस जो ट्रू रीडिंग है, ठीक है। बट रेजिडुअल एरर वो एरर होता है जो आपने रीडिंग ली है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, ये होता है आपका रेजिडुअल एरर। तनिष सब भी हाँ बताओ तनिष। सर तनिष ये बताओ स्लाइड चेंज हो गई सर? नहीं सर, एक्चुअली में नेटवर्क इशू हो रहा है सर, शो ही नहीं हो रहा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ बस अभी स्लाइड चेंज हो गई? नो सर। जो स्लाइड दिखाई दे रही है मुझे बताए। Yes, sir, sir, visible now. ठीक है, तो नाइन्थ देखो, नाइन्थ डेफिनेशन क्या है, ऑब्जर्व इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, ये दिखाई दे रही है ना ऑब्जर्व इक्वेशन, एंगल मेजर है 140 और 40।
ऑब्जर्वेशन ये है कि जिसमें रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आप रीडिंग मेजर कर रहे हो उसकी कोई रिलेशन होती है, जैसे कि किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ। जैसे कि इसमें अगर आप 140 डिग्री एंगल मेजर करोगे तो, और एक 40 डिग्री मेजर करोगे तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होगी ना, दो रीडिंग दो एंगल मेजर किया आपने 40 डिग्री एंड 140 डिग्री, बट स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है 180, तो एक रिलेशन हो गई दोनों रीडिंग्स में। रीडिंग्स को ही हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो 40 प्लस 140 180, तो ऑब्जर्व इक्वेशन इसको बोलते हैं हम। 10th कंडीशन इक्वेशन एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन सेवरल डिपेंडेंट क्वांटिटीज, यानी कि जैसे कि आप ट्राइंगल में देख रहे हो, आपने तीन एंगल मेजर करे पर उन तीनों की कंडीशन क्या है कि उन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तभी आप एक ट्राइंगल बना पाओगे। ये था कंडीशन इक्वेशन। तो ये आपके जो 10 थी, ये 10 डेफिनेशन थी जो आपका एक्सीडेंटल एरर को सोल्व करने के लिए काम आएगी। तो जब भी इनमें से किसी का नाम लिया जाएगा तो आपको एकदम से समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैं बार बार ये वर्ड जरूर आएगा आपका, MPV, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है, तो दोबारा से ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो ट्रू रीडिंग के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। हमें ट्रू रीडिंग नहीं पता है तो हम किसको यूज करेंगे, MPV को, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को निकालना पड़ेगा हमें, उसके मेथड्स है। दीपांशु शर्मा, दिखाई दे रही है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आ रहा है लिखा हुआ सर। हाँ बताओ सर, कुछ शो ही नहीं हो रहा, मतलब ब्लैंक है, बस आपका नाम MAM जो MA लिखा हुआ आ रहा है उसकी जगह कुछ शो ही नहीं हो रहा। अच्छा आ रहा है सर, आ रहा है, ये सोर्स ऑफ एरर लिखा हुआ है। आ रहा है सर, ठीक है ठीक है। चलो आप देखो जरा इस चार्ट को देखो, इस चार्ट में क्या है कि आपके सबसे पहले है सोर्स ऑफ एरर्स, थ्री टाइप के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल और नेचुरल। काइंड्स ऑफ एरर होते हैं, आपको बता चुका हूँ, मिस्टेक, सिस्टमैटिक, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल एरर को हम रैंडम एरर भी कहते हैं, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग मिस्टेक एंड सिस्टमैटिक एरर, हमको फिर थर्ड एरर जो बचता है एक्सीडेंटल एरर, उसको रिमूव करना होता है। वो रिमूव नहीं होगा, बस हमें MPV निकालनी होगी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो ये जो एक्सीडेंटल एरर है किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये इस लॉ को फॉलो करता है एक्सीडेंटल एरर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपने जो ऑब्जर्वेशन का मतलब याद रखना रीडिंग से। अच्छा सुनो, एक एग्जांपल सुनो, एक प्लॉट है आपका, एक लैंड है, ठीक है, और उस लैंड में आपने चारों साइड पे मेजर किया टेप से, A, B, B, C, C, D और D, A। तो ये चार आपके पास क्या आ गए, क्वांटिटी या फिर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब इन ऑब्जर्वेशन को इन्वेस्टिगेट करना है और इनमें से मिस्टेक निकालनी है, सिस्टमेटिक एरर निकालना है, और जो लास्ट में एरर बच गया है एक्सीडेंटल एरर और रैंडम एरर, इसको आप को थ्योरी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसके तीन फीचर्स होते हैं, तीन फीचर्स को ध्यान समझना, ये आ जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए कि एक्सीडेंटल एरर के तीन फीचर्स क्या हैं। जो स्मॉल एरर है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अब मैं पूछूंगा, तानिया त्रिपाठी,
सर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। कोई बात नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आनी आवाज आ रही है? यस सर। एक बात बताओ मेरे को, अगर हम एक ए और बी का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं जिसकी लेंथ है 5 मीटर, यस सर, ठीक है, तो 5 मीटर उसकी लेंथ है तो 4.567 आपने ये मेजरमेंट किया, इसके ज्यादा चांस है कि इतना एरर आए या फिर 2 या 3 मीटर आ रहा है आपका मेजर करने पे, इसके ज्यादा चांस है? सर एक बार रिपीट कर दो। आपने ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर, आपने टेप से मेजर किया तो हो सकता है आपने 5.1 कर लिया हो या 4.9 कर लिया हो सकता है ना ऐसा? यस सर। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आपने केवल एक ही मीटर किया, 4 मीटर का एरर आ रहा है आपका? नहीं नहीं सर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है एक्सीडेंटल एरर में, कि जो स्मॉल एरर है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो हो सकते हैं ज्यादा, और जो लार्ज एरर है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। समझ गए ना? हाँ सर। आपका एक आध एमएम एक आध सेंटीमीटर तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है 5 मीटर मेजर कर रहे हो 5 ही मीटर का एरर आ रहा है, नहीं है ना? होगा भी तो बहुत कम लोगों के साथ होगा ऐसा। तो जो फ्रीक्वेंसी है स्मॉल एरर की वो बहुत ज्यादा होती है और लार्ज एरर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, यही फर्स्ट फीचर है आपका एक्सीडेंटल एरर का, ठीक है। सेकंड है आपका, 3 फीचर्स मैंने बताए, फर्स्ट हो गया आपका स्मॉल एरर मोर फ्रीक्वेंसी, लार्ज एरर लेस फ्रीक्वेंसी। सेकंड फीचर है कि जो भी आपका है ना एरर की जो भी क्वांटिटी होगी प्लस और माइनस वो सेम होगी, या तो आपका 5.1 आ रहा है या 4.9 आ रहा है, ठीक है, या तो ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, उनकी जो क्वांटिटी होगी वो सेम साइज की होगी। yes, और जो आपका थर्ड फीचर है वो है कि लार्ज एरर जो है, जो मैंने बताया कि आप 5 मीटर को मेजर कर रहे हो 2 मीटर थोड़ी ना जाएगा, तो जो लार्ज एरर है वो इनफ्रिक्वेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कम है और वो इनफ्रिक्वेंट भी है। तो 3 फीचर्स हैं आपके एक्सीडेंटल एरर के। तो आगे हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से कैसे हम एक्सीडेंट एरर को मिनिमाइज करते हैं ये हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ, मैं पूछता हूँ सभी को, ठीक है। अमृतांशु सिंह, yes, अंकित, अंकित पता नहीं कहाँ, दीपांशु, यस सर, दिलखुश, यस सर, दिव्यांशु, यस सर, बहार, यस सर, गंगेश, यस सर, हर्ष, ईशांग, यस सर। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास ओलंपस ग्रेट लर्निंग की यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है? सर वो चल नहीं रहा, उसमें लेक्चर से नहीं आ रहे, मेरे पास नहीं है। जिसके पहले एक बार कहा था अगर बाद में कहीं क्विज और टेस्ट होने लगा उस पे तो जिनके पास नहीं वो तो मिस कर जाओगे, तो इसीलिए जिनके पास नहीं है तो पर्सनली मेरे को मैसेज कर दे, मैं उनको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लें। यूजर आईडी तो आपका ईमेल आईडी होगा ऑफिशियल कॉलेज का, बस आपको उस लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी आगे क्लास उस पर हो या फिर क्विज आपका उसी के ऊपर हो, तो हर किसी कर लेना है ये, और पर्सनली मेरे को मैसेज कर देना है कि सर मेरी ओलंपस ग्रेट लर्निंग की आईडी या पासवर्ड नहीं है। मयंक, यस सर, ईशान, मैक, यस सर, नमन, यस सर, प्रखर, यस सर, प्रखर श्रीवास्तव,
Present, sir. Prashant Singh. Yes, sir. Raj Chobe. Present, sir. Sakshi Yadav. Present, sir. Salik Bhushan. Present, sir. Saurabh Bhushan. Yes, sir. Tanish. Present, sir. Anya. Present, sir. Tawid. Present, sir. Tushar. Yes, sir. Vivek. Present, sir. ये अमित राव ये अलग क्यों दिखा रहा है? अमित राव, विनिमार और बयान शेखर सिंह अली अब्बास. ठीक है, क्लास में लीव करते. ये बताओ मेरे को, कोई डाउट है किसी को? नो सर. ठीक है, आगे हम मैं कोशिश करूंगा नोट्स भेजने की. आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जो एक्सीडेंटल एरर है उसको मिनिमाइज करने के लिए थ्योरी और प्रोबेबिलिटी को कैसे हम यूज करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. आपका लास्ट इसके बाद जो लेक्चर होगा पूरा एक्सीडेंटल एरर पे होगा. ठीक है, तो चलिए क्लास को लीव कर देंगे. थैंक यू. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर, ओलंपिक पे सर रिकॉर्ड प्रेजेंट है. क्या कह रहे हो सर? अंकित नोटियाल प्रेजेंट है, आई गेस नेटवर्क इशू था उस टाइम. अच्छा ठीक है, ठीक है. एक्सक्यूज मी सर, सर तनिष है. क्या चाहते हैं बताओ? सर एक्चुअली में सर ओलंपस पे सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं अपलोड हुए सर, मतलब वहां पे शो नहीं हो रहा है. सर्विंग के मतलब किसी भी के सर, नहीं सर किसी भी सब्जेक्ट के नहीं हो रहा है सर, सिर्फ एफएम के अपलोडेड है सर, मतलब एफएम के विजिबल है और किसी के. मैं शाम तक मैं करवाता हूं. ठीक है, ओके सर. ठीक.